अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्या करें, हम करेंगे 3.2 का 3 क्वेश्चन का 3.2 का 3 क्वेश्चन का सिक्स पार्ट, ठीक है, सिक्स पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ते हैं। अच्छा, आपको बता दिया जाए कि यहाँ अगर इन बच्चों के पास पुरानी एडिशन है तो उनके हिसाब से ये 3.3 है, और जिनके पास न्यू एडिशन है उनके हिसाब से 3.2 है। तो फटाफट से थर्ड क्वेश्चन का सिक्स लास्ट पार्ट वो पढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या बोलते हैं उसमें एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी वाले ने बोला है कि 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब क्या है यहाँ, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब 5 साल आगे जाओ, आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है कि भाई एक जैकोब है, एक लड़का है, उसका पापा है जैकोब, पापा जी है उसकी लड़की के, जैकोब। अब जो जैकोब है उसका फादर है जैकोब लड़के का, तो 5 साल आगे अगर फ्यूचर की बात करें तो जैकोब अपने लड़के से 3 times हो जाएगा। 3 times का मतलब 3 multiply 3 गुना, मतलब 3 गुना multiply, ठीक है। तो जैकोब की जो एज हो जाएगी 5 साल आगे अगर फ्यूचर की बात करें अपने लड़के से, वो 3 गुना हो जाएगा। नहीं समझ आया अभी भी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है, टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा, अभी तो टीजर आया, फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। फिर दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि 5 years ago, अब 5 years आप पीछे जाओ अगर बात करें, मतलब पास्ट में, मतलब माइनस, ठीक है। तो जैकोब की जो एज होगी वो 7 times होगी उसके लड़के से। तो देखो फ्यूचर में जाएगी तो जैकोब की 3 गुना हो जाएगी उसके लड़के से, अगर अगर हम पास्ट में जाएगी 5 साल तो उसकी उसकी अपने लड़के से 7 गुना, 7 times हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ गए। तो अभी फिर भी समझ नहीं आया तो अभी कह रहे क्वेश्चन, देखो स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहां बात करें कि किस पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो समझ आ जाएगा। अभी देखो कि वो बोलना पड़ा था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगी भाई, लाइट करनी पड़ेगी प्रेजेंट एज, तो ठीक है। तो प्रेजेंट एज जैकोब की लाइट कर लेते हैं, एक्स, उसके सन की कर लेते हैं वाई, ठीक है। अब ये प्रेजेंट एज है, अभी ये प्रेजेंट एज है, तो हम अगर बात करें फर्स्ट कंडीशन में कि वो फ्यूचर की बात करें, 5 years हैंस मतलब आगे, मतलब 5 साल बढ़े जाएंगे, तो 5 साल बढ़ेगा मतलब 5 साल बढ़े प्लस करना पड़ेगा ना, आज जो भी उम्र होगी उससे 5 साल बढ़ेगा मतलब क्या, 5 साल ऐड कर दो तो लो भाई, तो जैकोब हो जाएगा 5+, और उसका लड़का भी हो जाएगा 5+, ठीक है, +5 मतलब। तो अब वो बोल रहा है 5 साल आगे की बात करें तो जैकोब की जो एज है वो उसके सन से 3 times हो जाएगी, मतलब जैकोब की एज उसके लड़के से 3 times का मतलब क्या, 3 multiply, ठीक है। तो जैकोब की एज उसके लड़के से उसके 3 times 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गया समझ। हाँ, दूसरा बोलता है कि 5 साल पहले, मतलब पास्ट की बात करें, माइनस करोगे तो उसकी जो जैकोब की एज है वो 7 गुना हो जाएगी उसके लड़के से, मतलब जैकोब की ये थी, उसके लड़के की ये थी, 5 साल पीछे की बात करते हैं पास्ट की, जैकोब है उसकी एज रहेगी अपने लड़के से 7 times, 7 गुना हो जाएगी, आ गया समझ। अब देखो अभी भी नहीं आया, आ गया होगा तो खैर, तो स्टार्ट करें सोल्यूशन का फटाफट से। तो यहां लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट करेगा उसमें, लेट द जैकोब एज इज इक्वल टू एक्स, लेट द जैकोब सन एज वाई, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है, 5 साल फ्यूचर आगे की बात कर रहा है, तो ये जैकोब की, ये उसके लड़के की, ठीक है, तो 5 साल आगे ये बात कर रहा है तो प्लस करो भाई, भाई ठीक है, कर दिया प्लस। अब क्या है, 5 साल आगे जैकोब की जो एज है वो लड़के से कितनी है, 3 times हो जाएगी, लड़के के 3 times हो जाएगी, आगे समझ आ गया। सोल्व करो इसको, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस 5, 3 को मल्टीप्लाई करो 3y हो जाएगा, 3 5 जा ये 15 हो गया, वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड, तो x वेरिएबल यहाँ -3y आ गया, वहां 15 था, एक प्लस 5 वहां देगा माइनस का 5, तो x -3y 15 -5 10, तो इसको लेट करना आपको, फर्स्ट इक्वेशन बड़ा सिंपल है। तो ऐसे सेकंड बनेगी, सेकंड कंडीशन के हिसाब से जैकोब जब पास में जाएंगे तो जैकोब उसका 7 गुना हो जाएगा अपने लड़के से। तो यहां बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या आधार पे क्या होगा भाई,
जो जैकोब है और उसके लड़के की एज है, ठीक है। अब अगर आप 5 साल पीछे जाओ, मतलब पीछे मतलब माइनस करो, तो जैकोब की जो एज जाएगी अपने लड़के से वो 7 टाइम्स हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो करो इसको एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई करो 7y 7, तो अभी 7 5 -35y, तो ये वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड एक्स, ये -7y, ये -35 और ये माइनस का आगे प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया -30। तो इसको ऐड करना आपको सेकंड, ठीक है। अब बड़ा सिंपल है, उसको कैसे सॉल्व करना भैया, बड़ा सिंपल है, बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। में क्या करते हैं भैया, उसमें कुछ नहीं करते, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट से, उसको सेकंड में पुट करते हैं। तो निकालते हैं, फर्स्ट से निकालते, देखो कैसे ना, फ्रॉम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से एक्स के लिए वैल्यू निकालो, कोई भी निकाल सकता है, एक्स की निकालो वाई की निकालो, मैं बचपन से एक्स की निकालना प्रेफर करता हूं, तो मैं एक्स की निकालूंगा, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो एक्स की निकालने क्या करो, एक्स साइड वर्ग से पूछ साइड, तो यहाँ -3y +3y, तो एक्स की वैल्यू आएगी 10 + 3y। इसको आप थर्ड लेट कर लेना। अब इस देखो फर्स्ट से वैल्यू निकाली, इसको सेकंड में पुट करेंगे, है ना, ये तो बात हुई थी हमारी, हाँ ये तो डील हुई थी। तो एक्स की जगह ये पुट कर दूं, तो 10 + अच्छा लिखते हैं, पर लिखते रहो या लिखते रहो, पुट इन इक्वेशन सेकंड पुट करें भाई, पुट करो, तो एक्स की जगह ये पुट कर दो, 10 + 3y - 7y = -30, तो देखो ये +3y - 4y - 4y - का ध्यान रखना है, तो -30, ये प्लस कटेंगे यहां जाएगा -10, तो ये -4y = कितना हो गया ये -40, माइनस माइनस कटा 4 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 40/4 कितना होगा ये 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 10, मतलब कि उसके लड़के की जो एज है प्रेजेंट एज अभी फिलहाल में वो कितनी एज का है, वो है 10 साल का। तो अभी बात करते हैं जैकब की, निकालते हैं, तो जैकब की निकालना एक्स को निकालनी है, तो वाई को आप थर्ड में पुट कर दो तो एक्स निकल जाएगी, या फर्स्ट में पुट कर दो। अब देखो फर्स्ट और थर्ड बात बराबर है, क्योंकि जो फर्स्ट को मैंने मॉडिफाई सजाया सवारा है, मॉडिफाई किया, वो थर्ड ही तो है, सेम ही तो है, तो आप इसको थर्ड में पुट कर दो तो एक्स निकल जाएगी। तो सीधी लाइन खींचते हैं पहले, सीधी तो नहीं है फिर भी काम तो चली जाएगा, उससे तो सीधी है पहले की सीधी, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करो y की वैल्यू, ये रही इक्वेशन x = 10 + 3y, 3y की वैल्यू क्या है 10, पुट करो y की वैल्यू, देखो यहां 10 पुट कर दो ना, तो 10, तो x = 10 + 30, x के लिए होगी 40। तो लो भाई जैकोब जो बंदा है अपना, उसका जो फादर है वो 40 इयर्स के है, उसका जो लड़का है वो 10 इयर्स का है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो, भाई मर्जी आपकी है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, तो समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं।